गाइज, ये मेरे बिना अवेंजर्स की पार्टी कैसे चल रही है? मतलब मैं तो इनका लीडर हूँ और ये लोग यहाँ पे मस्ती करें। एक मिनट, यहाँ पर सिर्फ अवेंजर्स ही नहीं है यार, यहाँ तो सुपर विलन्स भी हैं। ये जायंट 300 रेडल क्या कर रहा है? ए, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? हमारा नया लीडर टोनी स्टार्क तो बाढ़ में जाए, हमारा नया लीडर प्यारा फ्रैंकलिन। क्या नया फ्रैंकलिन, नया लीडर? ये क्या बात चल रही है, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? एक मिनट, फ्रैंकलिन तू इनका लीडर कैसे बन गया? और यहाँ पर ये मेरे सूट की जगह फ्रैंकलिन की शक्ल का आयरन मैन का सूट क्या कर रहा है? गाइस, ये क्या चल रहा है, कोई मुझे बताएगा? अब टोनी स्टार्क हमारा लीडर नहीं है। वाह वाह वाह, मैं तुम सबका लीडर हूं एवेंजर्स, मैं नया आयरन मैन हूं क्या? नया मैन नहीं भाई, आयरन मैन तो मैं ही हूं यार, तुम लोग क्या कर... और एक मिनट, ये सुपर विलन इधर क्या कर रहा है? अरे बड़ा मजा आ रहा है, बिल्कुल सही कहा, अरे बिल्कुल मजा आ रहा है। टोनी स्टार्क की वजह से ही सुपर विलन सुपर हीरोज के दुश्मन थे, अब तो एवेंजर्स और सुपर विलन साथ में मिलकर खेलेंगे, मजे करेंगे। ये क्या चल रहा है, मैं तुम लोगों को कभी भी एवेंजर्स का दोस्त नहीं बनने दूंगा, तुम लोग निकलो यहां से। और एक मिनट फ्रैंकलिन, यार ये क्या कर रहा है तू? लीडर तो मैं हूं ना अवेंजर्स का। नहीं भाई, अवेंजर्स तुझसे प्यार नहीं करते, वो मुझसे करते हैं, इसलिए मैं अवेंजर्स का नया लीडर बन चुका हूं। यार ऐसे मत कर फ्रैंकलिन, यार मैं भी तेरा दोस्त हूं ना, मुझे ऐसे क्यों कर रहा है तू? हल्का दोस्त फ्रैंकलिन है, हल्का दोस्त टोनी स्टार्क नहीं है। टोनी स्टार्क, अब यहां पर तुझे हमारी तरह रहना पड़ेगा। नहीं, मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा इस बात को, सुपर विलन्स को यहां से भगाओ, और अवेंजर्स का नया लीडर कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। ए ब्लैक फ्रैंकलिन, निकल यहां से। अरे मेरे को मारता है तू? ए मेरे दोस्त ब्लैक फ्रैंकलिन को मत मार तू, समझा? नहीं तो ये छोड़ूंगा नहीं स्टार्क। हाँ बिल्कुल, मैं और फ्रैंकलिन पक्के दोस्त है। क्या? अरे नहीं फ्रैंकलिन, यार ये क्या कर रहा है, ये ब्लैक फ्रैंकलिन तेरा दुश्मन है। नहीं, दुश्मन तू है टोनी स्टार्क, तू जल रहा है हमारी तरक्की से। ऐसे बात नहीं है भाई, मेरी बात मानिए, ये सारे सुपर विलन्स दुनिया को तबाह करते हैं हमेशा, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इनको सुधार दिया है। बिल्कुल, अब हम फ्रैंकलिन का साथ देंगे, हमारा नया लीडर फ्रैंकलिन आयरन मैन है। नहीं, आयरन मैन मैं हूं और था और हमेशा रहूंगा। ये क्या कर रहे हो गाइस, यार तुम ऐसा मत करो मेरे साथ, कम से कम फ्रैंकलिन तुझे यहां रहना है, लेकिन सुपर विलन्स को तो हटा दे। गाइस मेरी किसी ने नहीं सुनी यार, मैं आयरन मैन नहीं रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो अवेंजर्स भी मुझसे प्यार नहीं करते, क्या आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते? गाइस अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो प्लीज वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। गाइस मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मुझे समझ नहीं आ रही है। सुपर विलन ये किसने मारा? बचाओ फ्रैंकलिन, बचाओ मुझे, मुझे कौन मारना चाहता है, मुझे मार कर किसको फायदा होगा? अवेंजर्स, अरे बाप रे। गाइस ये क्या हो गया मेरे साथ, ये कहां पर आ गया मैं? ओह माय गॉड, मैं मर नहीं सकता दोस्तों, मैं कब्रिस्तानों में क्या कर रहा हूँ, मैं ग्रेवयार्ड में कैसे आ गया? दोस्तों आपके टोनी स्टार्क को किसने मारा? एक मिनट, ये क्या, मेरी बॉडी तो गाइस ताबूत में पड़ी है, मुझे अपनी आत्मा को वापस से अपनी बॉडी में डालना होगा, लेकिन इस पहले इस ढक्कन को हटाना होगा। गाइस प्लीज मेरे लिए वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे समझ नहीं आ रहा है दोस्तों, मुझे मार करके इसको क्या फायदा होगा? मुझे कौन मार सकता है, कहीं मेरे अपनों ने तो मुझे नहीं मार दिया? गाइस ये ताबूत उठता क्यों नहीं है, मैं एक आत्मा बन गया हूँ, शायद मैं उसको नहीं उठा सकता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। गाइस मैं यहाँ पर ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करके इसको खोलना चाह रहा हूँ, मैं दुनिया की हर चीज छू पा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस खतरनाक ग्रेवयार्ड के ताबूत को नहीं छू पा रहा। गाइस इस कॉफिन में मुझे किसने डाला, मुझे किसने मार दिया? मेरे बिना अवेंजर्स को क्या होगा, अवेंजर्स तो यहाँ तक मुझे देख भी नहीं पाएंगे। हे अवेंजर्स, तुम मुझे देख पा रहे हो? अरे बाप रे, ये तो टोनी स्टार्क के भूत की आवाज है। कोई बात नहीं, नाचो नाचो। नहीं गाइस मैं मर चुका हूँ, प्लीज मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। अरे मुझे किसने मारा, मुझे बता दो यार, मैं तुम्हारा आयरन मैन हूँ। गाइस मेरे बिना अवेंजर्स का क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है वो सुपर विलन्स ने मुझे मारा हो और वो उन्होंने मेरे फ्रैंकलिन को और मेरे अवेंजर्स को कब्जे में ले लिया? तो मचा गया, मचा गया, टोनी स्टार्क मर चुका है, अब अवेंजर्स का नया लीडर मेरी आर्मी होगी, मुआ यहाँ पर नया लीडर मैं हूँ। नहीं 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 गाइस, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मैं यहाँ पर पता करके रहूंगा कि मुझे किसने मारा है और मैं वापस जिंदा होकर रहूंगा। लेकिन दोस्तों उसके लिए पहले मुझे अवेंजर्स को फ्रैंकलिन को बताना होगा कि यहाँ पे मैं मर चुका हूँ, तो जल्दी से स्टार्क मेंशन चलते हैं और मैं पता लगा के रहूंगा कि मुझे किसने मारा है। गाइस क्या मैं कार चला सकता हूँ? अच्छी बात है दोस्तों, मैं यहाँ पे कार चला जा रहा हूँ। गाइस जब मैं अवेंजर्स के पास जाऊँ तो प्लीज कॉमेंट में यस जरूर लिखना, जिससे कि उनको यकीन हो जाए कि यहाँ पर मुझे मार दिया गया है, हो सकता है वो मेरी बात का यकीन न करें। और अब अपना मैं तो बोर हो गया। कोई बात नहीं यार, रेड हल्क नाच नाच बहुत मजा आ रहा है, हल्क नाचेगा, हल्क नाची नाची करेगा। अरे गाइस मेरी बात सुनो, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, ये तो मेरा सूट है। ए गाइस ये नया आयरन मैन कहां से आ गया? अरे इसका क्या मतलब नया आयरन मैन, मैं तो नया आयरन मैन नहीं हूं, मैं तो पुराना आयरन मैन हूं। बिल्कुल टोनी स्टार्क ही हमारा। क्या नहीं, अरे मैं तो मर चुका हूं, टोनी स्टार्क तो मर गया है। गाइस यार क्या, टोनी स्टार्क मर गया है, तो मेरे साइड में कौन खड़ा है? अरे फ्रैंकलिन लगता है कोई उल्टा सीधा भूत होगा, उसको मार के भगा दे। ऐसी बात नहीं है। अरे फ्रैंकलिन चल इसको मार के भगा देते हैं, ये जो भी है। ए ब्लैक फ्रैंकलिन तो चुप रहे। ओडिन की कसम, मुझे लगता है ये कोई बुरी आत्मा है, इसको भगा दो, टोनी स्टार्क तो हमारे साथ है। नहीं गाइस, वो मार्क 85 सूट
सूट को कोई और पहन के बैठा है, कौन है तू? अरे मैं टोनी स्टार्क हूँ, तो तेरी आवाज को क्या हुआ? वो तो बस ऐसे ही मैंने ठंडा पी लिया तो गला खराब हो गया। गाइस देखो देखो देखो, यहाँ पर कोई बुरी आत्मा है और वो बोल रही है कि मार्क 85 के सूट के अंदर कोई और है। बिल्कुल यहाँ पर कोई तो मिसिंग है गाइस, किसी ने तो मेरा मार्क 85 सूट पहन रखा है, जो जो मेरे को शायद मारा है उसी ने सूट को पहन रखा होगा। फ्रैंकलिन इसका सूट उतरवा, तू झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। गाइस कमेंट में यस लिखो ना, इनको बताओ। अच्छा तुम्हें यकीन है तो मेरे साथ चलो। तू हमें कहाँ पर लेके जा रहा है? मैं असल में तुम्हें अपनी ग्रेवयार्ड पर लेके जा रहा हूँ, जहाँ पर मेरी बॉडी पड़ी है। हल्क हल्क जाएगा और देखेगा कि टोनी स्टार्क जिंदा है या मर गया है। मैं मर चुका हूँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। गाइस कमेंट में यस जरूर लिखना, जिससे कि एवेंजर्स को यकीन हो जाए कि मैं मर चुका हूँ। अरे बाप रे, तू हमें कब्रिस्तानों में क्यों लाया? रुक जा ब्लैक रिवेंजर, ये देखो गाइस, यहीं पर मेरी कब्र थी और यहीं पर किसी ने ताबूत में मुझे बंद करके जान। एक मिनट, ये क्या? गाइस नहीं, वो कॉफिन कहाँ गया? ओ नो, मैंने तो गाइस लिटरली मैं यहीं पर खुद को पाया था मरा हुआ, और यहीं से तो मेरी आत्मा निकली थी मेरे शरीर से बाहर। गाइस मेरी बात का बिलीव करो प्लीज। गाइस ये क्या हो रहा है? मेरी बॉडी कहाँ चली गई है? मुझे किसने मारा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं इन लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं? एक मिनट गाइस, ये क्या दिख रहा है मुझे? ये तो फ्रैंकलिन का घर है। अरे बाप रे गाइस, फ्रैंकलिन के घर के वार्डरोब में मेरी डेड बॉडी पड़ी है। गाइस मुझे ये सिर्फ मुझे ही दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो प्लीज वीडियो लाइक जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब भी, और कमेंट में यस लिखो जिसको मेरी बॉडी दिखी है फ्रैंकलिन के घर पे। कहीं फ्रैंकलिन नहीं तो मुझे नहीं मारा। क्या बोल रहा है यार टोनी स्टार्क, मैं तुझे क्यों मारूंगा? और वैसे भी तू टोनी स्टार्क है या नहीं, हम इस बात पर बिलीव कैसे करें? बिल्कुल कैसे बिलीव करें कि तू टोनी स्टार्क है या नहीं, तेरी तो कोई बॉडी भी नहीं है, मार्क 85 के अंदर ही टोनी स्टार्क है। ऐसा नहीं है, अगर तुम्हें यकीन है तो मेरे साथ चलो फ्रैंक के घर पे, वहां पर उसके वार्डरोब में मेरी डेड बॉडी पड़ी है। क्या ऐसा हो ही नहीं सकता? अगर नहीं हो सकता तो चलो ना मेरे साथ। अच्छा ठीक है गाइस, चलो चलते हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गाइस मैं पता करके रहूंगा मुझे किसने मारा है। फ्रैंकलिन अवेंजर्स का लीडर बना और उसके बाद सुपर विलन्स अवेंजर्स के दोस्त बने, इसका मतलब मुझे नहीं पता, मुझसे सब नफरत करते थे यार, किसने मारा होगा मुझे? हल्क, हल्क ने मारा नहीं किसी को भी, हल्क तो सबका दोस्त है। हल्क मैं जानता हूँ मेरे भाई, लेकिन मुझे ऐसी फील आती है जैसे किसी अपने नहीं मुझे मारा हो। खैर कोई नहीं गाइस, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ फ्रैंकलिन के घर पर। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, मुझे ऐसा सपना या ऐसा विजन क्यों आया कि फ्रैंकलिन के घर पर मेरी डेड बॉडी पड़ी है? मेरी डेड बॉडी तो ग्रेवयार्ड में थी, वहां से उठाकर शायद फ्रैंकलिन के घर में किसी ने डाल दी होगी। तू पागल हो गया, जो भी है भूत, मारा स्टॉक जिंदा है, वो भी मार्क 85 सूट में। ऐसा नहीं है, वो मार्क 85 में जो भी है कोई जरूर फेक है। एक मिनट, ये क्या? गाइस देखिए, ये रही मेरी डेड बॉडी। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन देख, तेरा दोस्त टोनी स्टॉक मर चुका है यार, तू मेरी बात का बिलीव नहीं कर रहा था। क्या जाकर देखो, ये टोनी भैया मर गए, हल्का दोस्त मर गया। बाबा साहब टोनी सच में मर गया। क्या? एक मिनट गाइस, ये टोनी स्टॉक गया क्या? मैंने तेरी बात का बिलीव नहीं करा, माफ कर दे मेरे भाई। सॉरी सॉरी टोनी भैया, आप कैसे मर गए? बाबा साहब कैसा मर गया तू? अरे कैसे मर गया तू? एक मिनट गाइस, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? वो फेक आयमन क्यों रो रहा है? और बाप रे, मुझे भी दुख है, मुझे भी दुख है यार, टोनी स्टॉक मर गया, हल्क वो बहुत दुख हो रहा है, उठ इनकी कसम। अरे बाप रे, मेरा टोनी को किसने मारा पता करो। मैं गाइस पता करके रहूंगा कि इस सूट के अंदर कौन है, जल्दी से बाहर निकल। ये ले, अरे बाप रे मार दिया। ये क्या गाइस, इसके अंदर तो स्पाइडरमैन है। स्पाइडरमैन, क्या तूने ही मेरे टोनी स्टॉक को मारा? गाइस हो सकता है कि स्पाइडरमैन ने टोनी स्टॉक को मारा हो आयरन मैन बनने के लिए, वरना वो आयरन मैन का मार्क 85 सूट क्यों पहनेगा? लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज, कोई तो तरीका होगा ना हमारे टोनी स्टॉक को वापस जिंदा करने का। अगर तुम किसी तरह से ये पता लगा लो कि टोनी स्टॉक को किसने मारा है, तो उसके बाद ही टोनी स्टॉक जिंदा हो सकता है। अगर तुम नहीं पता लगा पाए और तुमने किसी गलत आदमी को सजा दे दी, तो हमेशा के लिए टोनी स्टॉक मर जाएगा। क्या गाइस, फिर तो हमें सही तरीके से पता लगाना होगा कि टोनी स्टॉक की मौत कैसे हुई। बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर मैं एक ऐसा पोर्टल क्रिएट कर रहा हूँ जिससे कि तुम किसी के भी पास्ट में जाकर देख सकते हो कि जिस समय टोनी स्टॉक की मौत हुई वो क्या कर रहा था। जल्दी करना मेरे बच्चों, बहुत ही कम समय है। अगर तुमने पता लगा लिया टोनी स्टॉक को किसने मारा है, तो ही वो जिंदा हो पाएगा, वरना टोनी स्टॉक हो जाएगा। नहीं, मैं अपने टोनी स्टॉक को नहीं खोने दूंगा, मैं पता लगा के रहूंगा। गाइस जरूर ये स्पाइडरमैन ही है, आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है स्पाइडरमैन ने टोनी स्टॉक को मारा है तो कमेंट में यस लिखो, नहीं लगता तो नो लिखो। बिल्कुल फ्रैंकलिन, हम साथ में चलते हैं। गाइस मुझे नहीं पता था कि मेरे लीडर बनने के बाद टोनी स्टॉक को मार दिया जाएगा, वरना मैं कभी लीडर ही नहीं बनता। टोनी स्टॉक देख, ये वही समय जब मैंने और सारे एवेंजर्स ने तुझसे गुस्सा होकर भगा दिया था। बिल्कुल फ्रैंकलिन,
नहीं, और देख यहाँ पर ये मैं जा रहा हूँ, इस समय तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से मैं तो सीधा जा रहा हूँ एकदम सैड होके। तो टोनी स्टार्क को मारा किसने गाइस, यही तो बात पता करनी है कि मुझे मारा किसने, इसलिए गाइस मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। गाइस देखिए सामने ब्लैक फ्रैंकलिन, डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क, यहाँ तक कि स्पाइडरमैन पार्टी कर रहा है। अरे बाप रे, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, हाँ 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 हाँ, वही नाचो नाचो, लगता है टोनी सर चले गए, यही सही समय है अपने काम को अंजाम देने का। क्या गाइस देखिए यहाँ पर स्पाइडरमैन जा रहा है, जरूर फ्रैंकलिन यार ये गन लेने जा रहा है, मुझे कुछ इसी ने गोली से मारा था पीछे से। क्या गन से मारा था? बिल्कुल फ्रैंकलिन मैं सच बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी चलता हूँ, वो यही होगा। एक मिनट गाइस, ये क्या सामने तो मार्क 85 का सूट है, जरूर ये इसको पहनकर। एक मिनट, ये गन गाइस हो सकता है इसी गन से मुझे मारा गया हो, मुझे तो यही लग रहा है दोस्तों। अरे वाह कितनी प्यारी गन है, लेकिन मेरे काम की नहीं है, मैं तो काम करता हूँ, जल्दी से चुपचाप सूट पहन लेता हूँ। मैं हूँ नया आयरन मैन, मैं तो लोगों के साथ ब्रैंक करूंगा, किसी को पता नहीं चलने दूंगा कि इसके अंदर स्पाइडर मैन है। गाइस एक मिनट यार, हमारे स्पाइडर मैन ने तो गन ली नहीं, तो इसका मतलब क्या स्पाइडर मैन ने मुझे नहीं मारा? लग तो मुझे भी रहा है टोनी स्टार्क, देख हाँ बिल्कुल टोनी स्टार्क, मुझे लगा था कि तू मान चुका था कि मैं एवेंजर्स का लीडर हूँ, इसलिए तू आके खुश होके नाचने लग गया था, लेकिन वो तो स्पाइडर मैन निकला। बिल्कुल, लेकिन फिर मेरा क्या हुआ, मुझे किसने मारा? अरे हाँ गाइस, इस समय टोनी स्टार्क गया था, मैं जाकर देखता हूँ। गाइस टोनी स्टार्क को गोली लगी थी, लेकिन किसने मारी अभी हमें पता चल जाएगा, जल्दी जल्दी जाता है। अरे बचाओ मुझे बचाओ कोई प्लीज, मुझे कौन मार रहा है, किसको फायदा मिलेगा मुझे मारने से? देख फ्रैंकलिन मैं ऐसे मरा था, लेकिन ये क्या, ऑलरेडी गाइस टोनी स्टार्क को किसी ने गोली मार दी है, मैं पता नहीं कर पाया कि किसने मारा है। लेकिन गाइस एक बात तो पक्का हो गई है कि स्पाइडर मैन ने टोनी स्टार्क को नहीं मारा, उसने तो बस प्रैंक करने के लिए एवेंजर्स के साथ स्पाइडर मैन ने हमारे टोनी स्टार्क का आयरन मैन का सूट पहन लिया था और अपनी आवाज बदल दी थी। बिल्कुल यार फ्रैंकलिन, इसका मतलब स्पाइडर मैन निर्दोष है, तो फिर किसने मारा मुझे? गाइस मैंने और फ्रैंकलिन ने यहाँ पर पता किया कि हमारा स्पाइडर मैन बिल्कुल निर्दोष है, उसने तो बस प्रैंक के लिए मेरा सूट पहना था। लेकिन एक मिनट फ्रैंकलिन, इसका मतलब क्या, क्या तूने मुझे मारा है? ऐसी कैसी बातें कर रहा है तू, मैं तुझे क्यों मारूंगा? क्योंकि भाई मेरे जाने के बाद तू अवेंजर्स का लीडर बना, तुझे सबसे ज्यादा फायदा होगा, ऊपर से मेरी डेड बॉडी तेरे घर पर क्या कर रही थी? मुझे नहीं पता, मुझे शायद कोई फंसा रहा है स्टार्क, मैं तुझे क्यों मारूंगा यार, तू तो मेरा सबसे बड़ा भाई है, तो तूने मुझे अवेंजर्स का लीडर बनने से क्यों हटाया, स्टार्क बंसन से क्यों भगाया? मैं नहीं चाहता था तू भागे, मैं तो बस ये चाहता था कि सुपर हीरोज और सुपर विलन्स में कभी लड़ाई ना हो, और वो तेरी वजह से ही हुआ करती थी, प्लीज। नहीं मैं तेरी बात पे बिलीव नहीं करता। गाइस आपको क्या लगता है, फ्रैंकलिन ने मुझे मारा या नहीं? मुझे नहीं पता, वो तो बच्चे ही बताएंगे। गाइस यस या नो में जवाब दो प्लीज, मैं जा रहा हूँ फ्रैंकलिन के पास में, अभी पता चल जाएगा कि फ्रैंकलिन का असली मकसद क्या था। मैं कभी भी नहीं चाहता कि फ्रैंकलिन मुझे मारे, लेकिन दोस्तों क्या करें, सच्चाई है तो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। एक मिनट ये फ्रैंकलिन इतना परेशान क्यों है? सुनो सुनो सुनो, किसी को पता ना चले पाए, मेरी बात सुनो, स्टार्क के आने से पहले मुझे एवेंजर्स का लीडर बनना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद मैं तुम सभी को भी आमंत्रित कर लूंगा, ठीक है? ठीक है। गाइस ये फ्रैंकलिन किससे बातें कर रहा है? ये बोल रहा था कि मेरे आने से पहले ये एवेंजर्स का लीडर बनना चाहता है। गाइस देख रहे हो यार, मेरे खुद के भाई फ्रैंकलिन ने मेरे साथ धोखा किया, शायद इसी ने मुझे मारा, लेकिन अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, हो सकता है फ्रैंकलिन यहां सच बोल रहा हो, सच में ये सुपर हीरोज और सुपर विलन्स की लड़ाई खत्म करवाने के लिए ये सब कर रहा हो, वो तो अभी कभी पता चल जाएगा। क्या ही बढ़िया सूट है। गाइस एक मिनट देखिए, फ्रैंकलिन का सूट भी है, मैंने और हल्क ने मिलकर बनाया है। बिल्कुल हल्क ने बनाया है नया फ्रैंकलिन का आयरन मैन वाला सूट, फ्रैंकलिन हमारा लीडर है। ओडिन की कसम, टोनी स्टार्क से तो हजार गुना अच्छा है। बिल्कुल टोनी सर की याद आएगी, पर ठीक है। अरे नहीं, टोनी भी हमारे साथ रहेगा, बस नया आयरन मैन अब फ्रैंकलिन ही है। गाइस एक बात तो है, अवेंजर्स सच बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, शायद मैं अवेंजर्स का कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ाया करता था। लेकिन एक मिनट गाइस, अब ये फ्रैंकलिन कहां जा रहा है, कहीं यही तो गन वन प्लान करने नहीं जा रहा है। गाइस मुझे इसका पीछा करना पड़ेगा। अरे यार क्या करूं, मैं यहां पर लीडर तो बन चुका हूं, लेकिन अगर स्टार्क आ गया तो सब कुछ खराब हो जाएगा, स्टार्क मेरे को लीडर नहीं रहने देगा और अवेंजर्स उसकी तरफ चले जाएंगे, मुझे स्टार्क के लिए कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा जिससे कि वो मेरे रास्ते में ना आए। क्या गाइस, फ्रैंकलिन मेरे लिए परेशान है कि मैं उसके रास्ते में ना आऊं, मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे सुपर विलन्स को बुलाना पड़ेगा, इससे बेटर तरीका मेरे पास कुछ है ही नहीं। क्या गाइस एक मिनट, फ्रैंकलिन सुपर विलन से हाथ मिलाने जा रहा है? अरे हाँ यार, हे मेरी बात सुनो ब्लैक फ्रैंकलिन। हाँ बता फ्रैंकलिन। सारे के सारे विलन्स को लेकर स्टार्क मेंशन आ जा। अरे वो टोनी छोड़ेगा नहीं, चिंता मत कर, टोनी बाहर गया न्यूयॉर्क कुछ दिन के लिए, मेरे पास बहुत बढ़िया प्लान है, कम ऑन जल्दी आ जा, हम सब के सब यहाँ पर सब के सब मजे करेंगे। एक मिनट गाइस, ये क्या चल रहा है यार, फ्रैंकलिन सुपर विलन्स को बुला रहा है और बोल रहा है मजे करेंगे, और साथ साथ में वो ब्लैक
फ्रैंकलिन और सारे विलन्स को बुला रहा है। अभी गाइस देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये लोग क्या बात करेंगे। ओह माय गॉड गाइस, यहीं तो मेरी मौत हुई थी और यहीं पर देखिए सारे के सारे सुपर विलन्स हैं। इनकी बातें सुनता हूँ कि असल में चल क्या रहा है। हमें क्यों बुलाया है? बिल्कुल, हमें क्यों बुलाया तुमने? मेरी बात सुनो गाइस, हमेशा तुम्हारी लड़ाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टोनी स्टार्क से रही है ना। बिल्कुल, टोनी स्टार्क ही तो फसाद है। बिल्कुल सही कहा, ये टोनी स्टार्क ही हमारा सबसे बड़ा विलन है। तो मेरी बात सुनो, आज से ही मैं अवेंजर्स का नया लीडर बनने जा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी यहाँ पर जितनी भी गुंडागर्दी है उसको छोड़ दो। आज के बाद तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा, ना ही पुलिस पकड़ेगी, इवन अवेंजर्स तुम्हारी इज्जत करेंगे। तो झूठ तो नहीं बोल रहा है? मैं सच बोलता हूँ, यहाँ तक कि बाद में मैं टोनी स्टार्क को भी समझा दूंगा कि सुपर विलन हमारे साथ रहेंगे और वो हमारे दोस्त बन के रहेंगे। बस तुम्हें यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं करनी है। ठीक है फ्रैंकलिन, जैसा तू चाहे रेड रिवेंजर करेगा, मैं भी करूंगा। ये क्या गाइस, मैंने सोचा था मेरा फ्रैंकलिन यहाँ पर मुझे मारेगा, लेकिन नहीं यार, मेरा फ्रैंकलिन हमेशा की तरह अच्छा निकला। सॉरी फ्रैंकलिन, मैंने तुझ पे शक किया। गाइस फ्रैंकलिन के इरादे बिल्कुल नेक थे, वो तो बस सुपर विलन्स को घर पर बुलाया था जिससे कि यहाँ पर सुपर विलन्स और सुपर अवेंजर्स जितने भी लोग हैं उन सब में दोस्ती हो जाए और कभी किसी की मौत ना हो। इसका मतलब गाइस, फ्रैंकलिन ने अगर मुझे नहीं मारा तो किसने मारा? किसने मारा मुझे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। एक मिनट गाइस, ब्लैक फ्रैंकलिन की टी शर्ट पर ये ब्लड किसका है? ये तो बिल्कुल मेरा ब्लड लगता है। अरे ऐसा नहीं है, वो जस्ट ये तो रंग है। रंग? आज कोई होली थोड़ी है जो रंग है। चुपचाप बता, ये ब्लड किसका है? अरे बोला ना यार, मैं तो वहां पर अवेंजर्स जब पार्टी कर रहे थे तो वो कलर गिर गया था मेरे ऊपर। गाइस देख रहे हो, ये ब्लैक फ्रैंकलिन जरूर कुछ झूठ बोल रहा है। मैं तेरे पास में जाऊंगा, मुझे शक हो रहा है, जरूर तू नहीं मुझे मारा है। वैसे भी तू अभी फ्रैंकलिन के पास में बोल ही रहा था कि तू मुझसे बहुत नफरत करता है। अरे ऐसा नहीं है यार, टोनी स्टार्क मत जा भाई, कुछ भी नहीं मिलेगा तुझे। मैं जा रहा हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक फ्रैंकलिन के पास में। ठीक है टोनी स्टार्क, जल्दी पता कर तुझे किसने मारा है। गाइस मुझे जल्दी पता करना ही होगा वरना मैं जिंदा नहीं हो पाऊंगा। एक मिनट, ये क्या चल रहा है? तुझे काम करना ही पड़ेगा समझा। अरे हल्क, हल्क बहुत मजबूर है, हल्क, हल्क का बेटा सेफ तो होगा ना। एक मिनट गाइस, ये क्या बात चल रही है? हाँ ठीक है मैं पूरा इंतजाम रखूंगा। बाकी सुन मेरी बात, काम 100% हो जाना चाहिए और सुन, काम एकदम इतनी सफाई से होना चाहिए कि कोई गंदगी ना बचे। ठीक है हल्क तेरा काम करेगा, बस हल्क का ख्याल रखना, हल्क के बेटे का ख्याल रखना। दोस्तों मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि असल में हल्क के बेटे को हुआ क्या है और ये ब्लैक फ्रैंकलिन हल्क से कौन सा काम के लिए बोल रहा था। खैर छोड़ो, हो सकता है वो इसका दूसरा काम हो, लेकिन अभी ये ब्लैक फ्रैंकलिन कहाँ जा रहा है? अब मेरा फाइनल काम रह गया है, आज मैं फाइनली अवेंजर्स के साथ मिल जाऊंगा, उसके बाद टोनी स्टार्क हमारा लीडर नहीं रहेगा। गाइस एक मिनट, जरूर ये ब्लैक फ्रैंकलिन अब मुझे मारेगा, कुछ तो गड़बड़ है यार। मैं गाइस इसके पीछे पीछे जा रहा हूँ, अब देखते हैं आगे होने क्या वाला है और हल्क इतना परेशान क्यों था। एक मिनट गाइस, यहाँ पर पार्टी चल रही है और ब्लैक फ्रैंकलिन इधर साइड से जा रहा है। एक मिनट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ए गाइस कैसे हो? आ जा यार, ब्लैक फ्रैंकलिन कहाँ गया तू? अरे कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही वो हल्क को कुछ काम बताने गया था। चलो तो फिर करें। बिल्कुल चलो स्टार्ट करते हैं, नाचो नाचो नाचो। बिल्कुल ब्लैक फ्रैंकलिन अवेंजर्स का दोस्त। ये क्या गाइस, मैंने तो सोचा था कि ब्लैक फ्रैंकलिन मुझे मारेगा, लेकिन एक मिनट, अगर ब्लैक फ्रैंकलिन ने मुझे नहीं मारा तो किसने मारा कहीं? गाइस हल्क, ओह माय गॉड, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है दोस्तों, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। हल्क को ब्लैक फ्रैंकलिन ने कौन सा काम दिया था? हल्क, हल्क मजबूर है, हल्क को टोनी स्टार्क की याद आएगी। क्या मेरी याद इसे क्यों आएगी? ऐसे क्या करने वाला है ये? हल्क, हल्क को माफ कौन करेगा? एक मिनट गाइस, इसके हाथ में तो गन है यार। एक मिनट, कहीं जो मैं सोच रहा हूँ आप भी तो वही नहीं सोच रहे हो? कहीं हल्क की इस गन से ही तो मेरी मौत नहीं हुई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हल्क को मजबूरन ये काम करना ही होगा। कौन सी मजबूरी है? एक मिनट गाइस, इधर से देखिए मैं चलता हुआ आ रहा हूँ। ये उसी समय की बात है जब मैं सैड हो गया था और इधर हल्क खड़ा है, लेकिन हल्क तो मुझे दिखा नहीं था जब मुझे मारा गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे हल्क, क्या तूने ही मुझे मारा है? गाइस आप कमेंट में बताओ, क्या हल्क ने मुझे मारा होगा या नहीं? एक मिनट, ये क्या, ये नहीं 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 नहीं, अरे हाँ याद आया, मैं तो ब्लैक फ्रैंकलिन के पास में था। हल्क चुपचाप बता, असल में हुआ क्या था? अरे मैंने बोला ना, मैंने तुझे नहीं मारा। हो सकता है तूने ना मारा हो, लेकिन हो सकता है कि इसके इसने हल्क के द्वारा मुझे मरवाया हो। हल्क बता, तूने मुझे क्यों मारा? हल्क, हल्क ने तुझे नहीं मारा। हल्क, हल्क क्यों मारेगा? हल्क तेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है। गाइस ये हल्क मुझसे छुपा के रहा है। हल्क तेरा सबसे प्यारा प्यारा बेस्ट फ्रेंड है। मैंने पास्ट में देखा है ब्लैक फ्रैंकलिन के, वहां पर तू बोल रहा था कि टोनी स्टार्क तुझे कैसे माफ करेगा, क्योंकि हल्क इसलिए सैड था कि तू अब अवेंजर्स का लीडर नहीं रहेगा, फ्रैंकलिन बन जाएगा, इसलिए तू सैड हो जाता, इसलिए हल्क यहां पर सैड था। गाइस यार इसकी बात में तो दम है, क्योंकि ये सैड तो होगा अगर मैं लीडर नहीं रहूंगा। लेकिन गाइस एक मिनट, ये क्या, ये तो गाइस वही गन है जिससे मेरी मौत हुई थी। नहीं हल्क, अब चुपचाप बता क्या बात है। हल्क, हल्क सच बोल रहा है, हल्क ने तुझे नहीं मारा। गाइस ये कुछ छुपा रहा है, आप ही बताओ यार, हल्क ने मुझे मारा है नहीं? टोनी स्टार्क, हल्क के पास में मत जा प्लीज, ऐसा मत कर, हल्क बर्बाद हो जाएगा। नहीं मुझे जाना होगा। गाइस अरे बाप रे, ये क्या, ओ माय गॉड गाइस, मैं फिर से पास में आ चुका हूं। एक मिनट दोस्तों, यहां पर हल्क जा रहा है। ये वही समय जब हल्क रो रहा था, उसके बाद इसके हाथ में गन भी थी। हल्क असल में रो क्यों रहा था, वो इतना ज्यादा मजबूर क्यों था? हालांकि इसने मुझसे बोला कि इसलिए रो रहा था
क्योंकि इसको याद आएगी मेरी, क्योंकि अवेंजर्स का मैं लीडर नहीं रहूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता, एक मिनट दोस्तों, ये हब छुप क्यों गया पेड़ के पीछे? हल्क को अपना काम करना होगा। टोनी स्टार्क मेरा दोस्त जा रहा है। टोनी स्टार्क, मैं तुझसे अलविदा भी नहीं कह पाऊंगा। देखा गाइस, ये अलविदा अलविदा वाली बातें कर रहा है। ओह माय गॉड, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है दोस्तों। एक मिनट, मैं यहाँ पर जा रहा था, गेट खुल गया था, अभी तक तो सब कुछ सही है, फिर आगे क्या हुआ था गाइस? यहाँ पर एक मिनट, हल्क तो अभी भी यहीं खड़ा है। अगर हल्क यहाँ खड़ा है तो फिर किसने मुझे मारा? हल्क को माफ कर देना टोनी स्टार्क। अरे बाप रे, ये मुझे कौन मार रहा है? एक मिनट गाइस, देखिए मैं यहाँ पर, एक मिनट, क्या? नहीं, हल्क नहीं मुझे मारा दोस्तों। लेकिन क्यों? हल्क को माफ कर दे टोनी स्टार्क, हल्क को ही करना पड़ेगा। क्यों हल्क, क्यों मारा तूने मुझे? ऐसी क्या मजबूरी थी, बता मुझे। हल्क को अपने दोस्त को मारना पड़ा। हल्क को माफ कर दे, हल्क को ये करना पड़ा। हल्क के पास कोई रास्ता नहीं था। क्यों गाइस, क्यों इसने मुझे क्यों मारा? मुझे इससे पूछना होगा, मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है गाइस। एक दोस्त ने मुझे धोखा दिया है, मुझे आ रही थी फीलिंग। अरे वाह, तूने काम कर दिया अपना, बहुत बढ़िया है। मेरी बात सुन, अब जल्दी से इसकी बॉडी को ग्रेवयार्ड में डाल कर आ, समझा? तो हल्क से ये नहीं होगा, अवेंजर्स को हल्क को बताना होगा कि टोनी स्टार्क मर गया है। चुप कर, तू अवेंजर्स को कुछ भी नहीं बताएगा। वैसे भी मेरा प्लान तो इस तरह से, टोनी स्टार्क के मरने के बाद मैं फ्रैंकलिन को फंसवा दूंगा। सबको लगेगा कि टोनी स्टार्क को फ्रैंकलिन ने ही मारा है, क्योंकि वो अवेंजर्स का लीडर बनना चाहता। जा, अब जल्दी से इसकी बॉडी ग्रेवयार्ड में डाल कर आ जा। ठीक है, हल्क करेगा, हल्क अपने दोस्त को दफना के आएगा। गाइस देखिए, ब्लैक फ्रैंकलिन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गाइस, इसने हल्क से मुझे मरवाया जिससे कि इल्जाम फ्रैंकलिन पर जाए। गाइस देखिए यार, मेरी बॉडी को इस तरह से हल्क ने कॉफिन में बंद करके यहां पर रख दिया था, लेकिन यहां से मेरी बॉडी को मूव किसने किया फ्रैंकलिन घर पे? हो सकता है वो हल्क हो। हल्क को माफ कर दे, हल्क के पास कोई और रास्ता नहीं था टोनी स्टार्क। गाइस, अब जबकि मुझे पता चल चुका है कि मुझे किसने मारा था, तो मैं जिंदा हो सकता हूं, और साथ साथ में मैं इस हल्क को और ब्लैक फ्रैंकलिन को छोड़ूंगा नहीं। गाइस, आप ही बताओ मैं इनको क्या सजा दूं, प्लीज कमेंट में जरूर लिखो। हल्क ये ले। अरे बाप रे, हल्क की बात सुन। अरे बाप रे नहीं, अरे मेरी बात सुन। अरे नहीं टोनी स्टार्क, मैंने नहीं मारा तुझे, हल्क ने मारा। हल्क को मार। हल्क, तूने ब्लैक फ्रैंकलिन के कहने पर मुझे क्यों मारा? बता मुझे, बता ऐसा क्या है ब्लैक फ्रैंकलिन में जो तूने अपने बेस्ट फ्रेंड को मार दिया? हल्क के पास कोई और रास्ता नहीं था। हल्क के बेटे को ब्लैक फ्रैंकलिन ने किडनैप कर रखा है। ए चुप कर, वरना तेरे बेटे को मार दूंगा। क्या? एक मिनट, ये क्या? हल्क, तूने ये बात अवेंजर्स की नहीं बताई, क्योंकि अगर हल्क बताता तो हल्क के बेटे को ये और इसकी सुपर विलन्स की आर्मी मार देती। अरे ओए, ऐसा कुछ नहीं है टोनी, ये झूठ बोल रहा है, इसने अपने फायदे के लिए तुझे मारा। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, आप बताओ हल्क सच बोल रहा है या झूठ, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों, इस ब्लैक फ्रैंकलिन को मैं छोड़ूंगा नहीं, इसी की सारी साजिश थी। नहीं टोनी स्टार्क, माफ कर दे मुझे। ये ले गाइस, मैंने ब्लैक फ्रैंकलिन को सही सजा दी या गलत, कमेंट में यस या फिर हां लिखकर बताओ, या फिर ना लिखकर बताओ। डॉक्टर स्ट्रेंज, अब मैं जिंदा हो पाऊंगा या नहीं? बिल्कुल जिंदा हो पाएगा, क्योंकि तूने अपने असली कातिल को ढूंढ निकाला। हल्क का दोस्त जिंदा हो गया। वाह गाइस, लेकिन हल्क तू चिंता मत कर, मैं तेरे बेटे को बचा लूंगा। अरे वाह, मेरा दोस्त जिंदा हो गया, तू ही असली लीडर। बिल्कुल गाइस, मैं ही अवेंजर्स का असली लीडर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो भी देख लो। थैंक यू सो मच।